सत श्री अकाल सारिआं नूं। संधू फैमिली किचन साडा सब दा वेलकम है ऑन योर हाईली डिमांड। अज मैं जा रही हां बनाउण वास्ते डोसा। बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है ते आज मेरे नाल। देखो जी, डोसा बनाउण वास्ते सानू चाहिए सूजी, क्योंकि मैं बना रही हां रवा डोसा। असी लांगे सूजी, एक वड्डी कटोरी है, उहदे विच असी ऐड करना है सिर्फ एक चम्मच बेसन। एक चम्मच पावांगे असी आटा, सिंपल गेहूं दा आटा है मेरे कोल। असी ऐड करांगे नाल दही एक छोटी कटोरी। इन्हां सब नूं असी अच्छी तरह कर लेना है पहले मिक्स। नाल ही असी पा देंगे इहदे विच थोड़ी जी चीनी। चीनी दे नाल जो इहदा कलर है बहुत अच्छा हो जाएगा। हल्का जिहा असी ऐड करांगे सॉल्ट। हुण वाटर ऐड करके असी इहदा एक घोल तैयार कर लेंगे। मैं दही वाली कटोरी से ना पानी पा के ते इहनूं इहदे विच पा देंगे। बहुत ही स्मूथ बैटर तुसीं बनाना है जिस तरह डोसे का होंदा है। अच्छी तरह मिक्स करांगे असी इहनूं। बेसन और आटे दे नाल उहदी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ऐ डोसा कि जदों मन किया बस तुसीं बना लो। इहदे वास्ते किसी भी चीज़ नूं सोक करन दी जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। बस इहनूं अच्छी तरह मिक्स करना है। देखो जी, साडा बैटर बिल्कुल हो चुका है तैयार। हुण असीं इहनूं कवर करके रख देंगे। तद तक असीं तैयार करते हैं अपना मसाला जो असीं आलू च फिल करना है। असीं सारे मसाला तैयार करन वास्ते उहदे वास्ते मैं पैन च पावांगी ऑयल। घट ही पाना है, मैं तो बिल्कुल थोड़ा पा रही हूँ। इहदे च हल्का ऑयल ही अच्छा लगता है। बस ऑयल जरा सा गर्म हो जाए, ऐड करांगे असी राई। थोड़ी जी राई, नाल ही ऐड करांगे असी कड़ी पत्ता। तुसी पूरा भी पा सकते हो और जो इहनूं कट करके भी पा सकते हो। मेरे को सुकी लाल मिर्च नहीं है, इस वास्ते मैं ऐड करांगे इहदे विच चिली फ्लेक्स। देखो जी, साडी राई और कड़ी पत्ता जो है रोस्ट हो चुके ने। मैं पावांगी इहदे विच थोड़ी जी हिंग। हिंग दा फ्लेवर भी इहदे च आंदा है बहुत अच्छा। नाल ही मैं ऐड कर दांगी अनियन। बस हल्का हल्का इहनां नूं करांगे असीं रोस्ट। उस तों बाद असीं पावांगे आलू और नाल असीं पा रहे हां विच इहदे पनीर। अज असीं आलू पनीर डोसा बना रहे हां। तो बहुत यम्मी लगता है और हेल्दी भी है, क्योंकि प्रोटीन है पनीर। अच्छा सोर्स है पनीर प्रोटीन का। गाइस, असी मॉर्निंग च ना आलू परांठे खाधे ने ते मेरे कोल ओही वाले आलू बचे हुए सी। ते ऐ वाले आलू च मेरा नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला सब कुछ ऐड है। तुसी प्लेन बॉयल्ड आलू ही ले लेना। मेरे कोल ते पे सी, मैं क्या चलो यूज कर दें डोसा बना रहे थे ऐ वाले। हुण असी फ्लेम नूं एकदम करांगे कट। विच पावांगे अपने स्पाइसेस। मैं जा रही हां ऐड करन हल्दी। हल्की जी मिर्च, क्योंकि मेरे आलू अज पहली मसाला है। नमक भी मैं हल्का जा पावांगी। हुण असी ऐड करांगे अपने आलू। चिली फ्लेक्स भी बना ली पा रही हां। और थोड़ा जा पानी ऐड करांगे ताकि साडा जो मसाला है ना वो अच्छा जा बन जाए, मिक्स हो जाए आपस। अच्छी तरह मैश कर लेना है असी। देखो असी बना रहे हैं बहुत थोड़े से डोसे ते तुसी अपनी क्वांटिटी नू वधा सकते हो अपनी नीड दे अकॉर्डिंगली। ऐ देखो जी, आलू मसाला अच्छी तरह हो गया है साडा तैयार। एक चीज मेरी रह गई है, विच पनीर पाना, जो मैं ऐड करन जा रही हूँ। मैं ऐड कर रही हूँ विच पनीर। मैं एवी इहनूं पा रही हूँ हाथ नाल ही तोड़ के। तुसी ग्रेट करके भी पा सकते हो जो इच्छा। अच्छी तरह करांगे मिक्स। गैस दी फ्लेम नूं मैं कर रही हूँ ऑफ। मसाला तैयार है ते बस हुण असीं बनावांगे अपने डोसे। देखो जी, साडा बैटर हो चुका है बिल्कुल रेडी। हुण असीं ऐड करांगे इहदे विच थोड़ा जिहा मिठा सोडा। बहुत घट ऐड कीता है मैं।
पानी ऐड करांगे ताकि जल्दी दे नाल एक्टिवेट हो जाए। बस इन अच्छी तरह से फेंट लेना है, मिक्स करो बहुत अच्छी तरह। और सारा डोसे का बैटर हो चुका है तैयार। तवा मैं रख दिता गैस से, हीट हो रहा है। ए देखो जी, तुसी देख सकते हो कि साडा कोल किस तरह का है। देखो जी, मैं लेता है ऑयल एक कटोरी च, इहदे च ऐड करांगे वाटर, जिहदे नाल असीं अपने तवे नूं करांगे ग्रीस। ठीक है जी, इहनूं कर लैणा असीं अच्छी तरह मिक्स। असीं अपने तवे नूं ना अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਔਰ ਆਇਲ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ। ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਡੋਸਾ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਡੋਸੇ ਦਾ ਬੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਘੁਮਾ ਦਿਓ। देखो जी, साडा डोसे का बैटर तवे ते आ गया और इहदे च इसी तरह की जाली जो है फॉर्म होनी चाहिए है, मतलब कि बैटर साडा बिल्कुल रेडी सी। हुण असीं इहदे उत्ते लगावांगे ऑयल। देखो तुसीं बटर भी लगा सकते हो, जो ताडी मर्जी है। ऑयल लगावांगे कि अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। फिर असीं ऐड करांगे अपनी स्टफिंग। स्टफिंग भी तुसीं अपने मुताबिक विच पार सकते हो कि तुसीं ज़्यादा खानी है या थोड़ी। मैं रम्मी तो पूछ लेनी कि उन्हें स्टफिंग कहो जी लैनी है, ज्यादा या घट? घट घट लैनी है। चलो जी, इदी अपनी मर्जी। देख लो साडा डोसा जो है सिक रहा है अच्छी तरह। मैं सेंटर से अपनी स्टफिंग रखी है, असीं फोल्ड करांगे इनू। हेलो, मैश कर लेना अच्छी तरह। तुसीं अपने अकॉर्डिंगली अपनी स्टफिंग नूं तो जो है घटा या वधा सकते हो। ठीक है जी, डोसा देखो साडा अच्छी तरह पक रहा है दूसरी साइड तो, आराम नाल बिल्कुल नहीं चिपकेगा, आराम नाल जो है आ जाएगा। देखो बस 2 मिनट इन्हें सिकन देंगे अच्छी तरह कि क्रिस्पी जहा डोसा साडा तैयार हो जाए। ऐ देखो जी, बिल्कुल भी नहीं तवे दे नाल लग गया, आराम नाल जो है चुकया जाएगा, ना टूटेगा ना कुछ होएगा। नाले तुसी सारे मैनू कमेंट करके जरूर दसना कि तुसी अपने घर डोसा बनाते हो या नहीं, और ताडा डोसा इसी तरह का बनता है या नहीं। ऐ देखो जी, साडा डोसा बन चुका है। मैं जा रही हूँ इहदी प्लेटिंग करन। ऐ देखो, ऐ कीता सी इहनू फोल्ड आराम दे नाल। ऐ देखो अच्छी तरह बन चुका है, क्रिस्पी जिहा डोसा साडा है तैयार। वाओ, डोसा किन्ना ज्यादा क्रिस्पी बनया। देखो तुहानू आवाज आ रही है। ऐ देखो मैं तुहानू दिखावां। ऐ देखो ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਜਿਹਾ ਡੋਸਾ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਯੰਮੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਰੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਯੰਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਔਰ ਖਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਡੋਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੀ ਚਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਬਰ ਬਣਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਡੋਸਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਆਈ ਹੈ ਪਸੰਦ, ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।